व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो YouTube की स्ट्रेटेजी है, जिसके हिसाब से आपको डेली वीडियो डालना पड़ता है या एक दिन का गैप देना पड़ता है। YouTube की जो स्ट्रेटेजी है वो यही कहती है कि आप डेली वीडियो डालो और पेशेंस रखो, जिससे कि आपका चैनल ग्रो होने में बहुत मदद मिलेगी। तो ये पेशेंस क्यों जरूरी है, मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊँगा कि आप क्यों वीडियो डालो, किस वजह से वीडियो डालो ताकि आपका चैनल ग्रो हो। अगर आपको अपने चैनल को बहुत ऊपर तक लेके जाना है तो आपको डेली कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप डेली वीडियोस डालते हो तो YouTube के आपका जो व्यूज़ है वो अप ही होंगे। अगर आपने बीच में, जो ये मेरा चैनल है इसको तो शायद 20 से 25 दिन होंगे, तो 20 से 25 दिन में मेरी रेगुलर वीडियोज़ आई है, तो अभी मेरे चैनल का ग्राफ इस तरह से होगा। और अगर मैं बीच में छोड़ देता हूँ, जैसे मैंने 25 दिन हुए, मान लो 25 दिन लगा लिए मैंने, 25 दिन में अगर मैं वन डे छोड़ के डालता हूँ लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट वीडियो, कोई भी एक वीडियो जरूर आनी चाहिए, तो अगर मैं डालता हूँ एक दिन छोड़ के, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अपर तो होगा पर बीच में डाउन भी तो जा रहा है यार, ये भी तो गलत है, आपके चैनल का ग्रो कम हो जाएगा इससे। क्या पता सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, बढ़ जाएंगे, कुछ 4 बढ़ेंगे, 5 बढ़ेंगे, पर अगर आपका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से रहेगा, भाई कॉन्स्टेंट जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, तो इससे आपके चैनल का ग्रो होगा, व्यूज अप होंगे। तो इसलिए आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। और आप देख सकते हो जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनका पुराना हिस्ट्री उठा के देख लेना, उनकी डेली वीडियो रहती थी। जैसे मनोज देसर, खैर उनकी तो बातें क्या करूँ, वो मेरे आइडियल भी रह चुके हैं, अभी भी मैं उनका आइडियल मानता हूँ, क्योंकि उनका चैनल और उनकी वीडियो देख के ही मेरे को यूट्यूब चैनल बनाने का वो मतलब भूत सवार हुआ था, भूत कहते हैं ना इसको, जिद वो सवार हुई थी। तो उनका यूट्यूब चैनल का मतलब उठा के देख लेना, उसमें आप देखोगे वीडियोज में, और बिल्कुल लास्ट की वहां से लग जाना, अगर वहां से देखोगे तो उनकी डेली एक वीडियो जरूर आती थी, और उस टाइम पे तो शायद 2019 के आसपास स्टार्ट किया था, और 2021 के आसपास उनकी वीडियोस रेगुलर आती थी 2 साल तक, 365 दिन हो गए एक साल में, 365 को 2 से गुना कर लो, 700 के आसपास जाता ही है, 750 वीडियोस डाली उन्होंने। अगर आप ये भी देखो, टॉपिक भी लिख के आई है वो, हर टॉपिक पे नई वीडियो, अगर आप पेशेंस रखोगे। आज ये मनोज दे सर टेक एंड टिक, और सबसे बड़े मतलब टेक के यूट्यूबर, टेक का नाम देते हैं, उनका नाम कैसे बोल सकते हैं, टेक्निकल गुरुजी, उनकी पहले के 2 से 3 सालों में मतलब जिस टाइम उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, यूट्यूब में अब पहली बार आए थे वो, उस टाइम उन्होंने 2 से 3 साल इतनी मेहनत की कि उनकी डेली वीडियो आती थी, उनका ग्राफ यहाँ से 0 से ऊपर इसी लिए नहीं जाता था। अगर आप कितने भाई, आज आपने वीडियो डाली ऊपर गया थोड़ा सा, फिर 2 दिन छोड़ दी नीचे, फिर ये इन व्यूज का काम क्या हुआ? अगर आप जब तक कंसिस्टेंसी मतलब पेशेंस नहीं रखोगे, तब तक आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं होगा। आपको शुरू में तो बिल्कुल डेली टू डेली वीडियोस डालनी पड़ेगी, चाहे आप लॉन्ग वीडियो डालो शॉर्ट वीडियो डालो, आपको वीडियो डेली डालनी पड़ेगी ताकि आपका चैनल की ग्रो बन जाए। अगर जब तक आपकी ग्रो नहीं बनेगी ना, तब तक आप यूट्यूब पे आने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप जब तक कोई जानेगा ही नहीं, जब तक कोई आपको आपके फेस को कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा फिर देखना, तो किस तरह से आपका चैनल ग्रो होगा? अगर आपके चैनल को ग्रो करना है तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। और मैं तो मनोज दे सर के थैंक्स करता हूँ कि उनकी वजह से आज मैं यूट्यूब पे हूँ और मेरे इतने सब्सक्राइबर भी हैं, और मनोज दे सर की जैसा ही बनना चाहता हूँ मैं भी, ताकि मैं उनकी तरह डेली वीडियोस डालूं। डेली आप एक बार सब्सक्राइब कर लो, डेली आपको वीडियो जरूर मिलेगी मेरी। पर मनोज दे सर की तरह मेरे को इतना टाइम तो नहीं लगता था कि मनोज दे सर की इन 2 सालों में डेली 4 से 5 बजे के आसपास डेली शाम को वीडियो आती थी, पर मेरा इस बन तो नहीं रहा, करूँ भी क्या मैं, किसी दिन तो शाम को वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, किसी दिन रात को 2 बजे, ये काम चलता है मेरा तो। पर फिर भी कंसिस्टेंसी देखिए, आपके लिए डेली भी वीडियो आती है मेरी, चाहे शॉर्ट वीडियो हो चाहे लॉन्ग वीडियो हो, आपके लिए जरूर एक, कई बार तो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आ जाती है, क्यों? पेशेंस है भाई,
पेशेंस के बिना कामयाब नहीं हो सकता बंदा। अगर आप पेशेंस रखोगे, पेशेंस यूट्यूब का यही तो काम आया है भाई। आपने देखो पे किया किसी को, उसने आपका चैनल मोनेटाइज कर दिया, ऐड लगी। अगर आप वही 1,000 सब्सक्राइबर 4,000 घंटे पेशेंस के थ्रू कमाते, अपनी कंसिस्टेंसी के थ्रू कमाते, तो क्या आज वो 1,000 सब्सक्राइबर कितने काम आते आपके आपके हर वीडियो पे 2K, 3K, 4K, 10K, 50K तक व्यूज आते। वही तो चाहिए आपको। अगर इस तरह से करवा लिया तो 4-5 सौ से व्यूज आएंगे। 4-5 सौ तो बहुत ज्यादा बोल दिए मैंने, लास्ट व्यूज आएंगे सिर्फ 50-100। वो कोई काम के नहीं है। आपका ग्राफ ऐसे है तो ऐसे बनेगा फिर। वो चैनल कोई काम कर नहीं रहा। अगर आप कोई डेली वीडियोज डालते हो, डेली कंसिस्टेंसी रखते हो, पेशेंस रखते हो, तो आपका ग्राफ हमेशा इस तरह से बनेगा। डेली वीडियो डालो यार। यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कितनी भी वीडियो डालो इसका कोई एंड नहीं है। आप चाहे जितनी वीडियो डालो उन वीडियो से अर्निंग करो। यूट्यूब के पास कोई कमी नहीं है पैसे की, तो आपको जॉब दे रहा है फ्री की, उस फ्री की जॉब का फायदा उठाओ यार। बस आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप डेली वीडियोस डालो, एक कंसिस्टेंसी रखो, और वरना तो फिर चैनल बर्बाद होते कोई टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि मैं भी पहले एक यूट्यूब चैनल था मेरा, मतलब छोटे भाई ने बनाया था, बना लिया कोई दिक्कत नहीं। उस चैनल का नाम था जांगड़ा आर्ट के नाम से, आप देख सकते हो यूट्यूब पे जाके, और यहाँ पे आ भी रहा होगा आपके। उस चैनल पे जब मैं वीडियो डालता था उस टाइम 10th क्लास थी मेरी, उस टाइम मेरे सब्सक्राइबर हुए थे 180 के आसपास। 180 थे या 280 के आसपास थे, 280 के आसपास सब्सक्राइबर। तो मैंने एग्जाम के थ्रू उसको मतलब चैनल को छोड़ दिया था। मैंने सोचा 2 मिनट रुक के उसके बाद वीडियोस बनाऊंगा। उस चैनल को 2 महीने बाद मैंने खोला, वो 280 सब्सक्राइबर मेरे 176 सब्सक्राइबर के आसपास आ गई। और मेरा वॉच टाइम है तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, वो वॉच टाइम इस तरह से जा रहा है। आपको किसी का तो इस तरह से जाता है, मेरा ग्राफ इस तरह से बना हुआ है। जो टोटल व्यूज हैं शायद 1.1K व्यूज हो रहे हैं लास्ट, और कभी इस चैनल पे 10K व्यूज हुआ करते। 10K एक वीडियो पे, 10K व्यूज एक वीडियो से, 15K व्यूज आए हुए हैं। टॉप के मेरे बात करें तो 32K व्यूज आए हुए हैं उस चैनल के एक वीडियो पे। पर वो गए कहाँ कंसिस्टेंसी देख के। अगर आप, ये तो ठीक है, ये तो मैंने 2 महीने छोड़ा, 2 महीने में ये रहा। अगर आप सिर्फ डेली वीडियो डालते हो, मान लो आपने सिर्फ 1 महीने 2 महीने डेली वीडियो डाली, आपका चैनल ग्रो हो गया, आपके 1,000 सब्सक्राइबर हो गए मान लो 2 महीने में, तो वो 1,000 सब्सक्राइबर हो गए। 1,000 सब्सक्राइबर के बाद करोगे क्या? अगर आपने 1,000 सब्सक्राइबर के बाद अपने चैनल को 10 दिन भी छोड़ दिया ना, तो वो ग्राफ ऐसे मिलेगा आपको। ये भी सारी मेहनत बेकार, कोई काम बनेगा यही तो नहीं करना। आप एक दिन छोड़ो, लास्ट एक दिन होता है भाई, एक दिन छोड़ो। मेरी ये रहती है कि लॉन्ग वीडियो मेरी ज़्यादातर एक दिन छोड़ के आती है। मेरी कंसिस्टेंसी यही रही है यूट्यूब के थ्रू भी, कि डेली शॉर्ट वीडियो आएगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। संडे को मैं शायद लाइव भी आ जाता हूँ पेपर वीडियो पर, मतलब हफ्ते में 4 वीडियो जरूर मिलेगी मेरी। ये कंसिस्टेंसी बनाओ, प्लानिंग करो यार पूरे हफ्ते की। जैसे लोग, जैसे लेडीज नहीं होती घर पे चाय चीनी के लिए, मतलब घर के सामान के लिए पैसे लेती है, उसकी लिस्ट बनाती है ये करना है मेरे को। उस तरह से आप भी लिस्ट बनाओ, आज मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, आज मेरे को इस पे। ये कोई जरूरी है नहीं मेरी तरह 1 हफ्ते में 4 डालो, 1 हफ्ते में 1 डालो, 1 हफ्ते में 2 भी डाल लो, 1 हफ्ते में 4 भी डाल लो, 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 की 7 वीडियो भी आ सकती है आपकी। शॉर्ट वीडियो क्या है, शॉर्ट वीडियो बनाओ, शॉर्ट वीडियो में तो कोई टाइम नहीं लगता, शॉर्ट वीडियो बनाओ वो डाल लो, अर्निंग तो उससे भी हो सकती है। अब 1 फरवरी से आया है कि आपके भी जो शॉर्ट्स वीडियो है उस पर भी ऐड लगेगी, तो उसका फायदा उठाओ यार। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कहीं आप एक दिन वीडियो डाल दी फिर 1 हफ्ते तक यूट्यूब पे आओगे ना, वो नहीं हो सकता। वैसे आपको यूट्यूब से अर्निंग नहीं होगी। अगर यूट्यूब पे अर्निंग करनी है तो कंसिस्टेंसी पेशेंस जरूरी है भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने दे सबको प्लीज़ ये वीडियो फॉरवर्ड जरूर कर देना भाई, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।